Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next question पे चलते हैं बच्चों. Firm purchase on 1st January 99, machinery for 36,000 and 4,000 on its installation. मतलब 40,000 की होगी हमारे लिए machinery. 1st July in the same year, एक और machinery खरीदी, 20,000 रुपीस की बच्चों. और 1st July 2001 को, 2000 में कोई transaction नहीं, 99 को पहली machinery खरीदी, 99 में ही दूसरी machinery खरीदी, 2000 में कुछ नहीं है, लेकिन 2001 में जो हमने 1st January 99 को मशीनरी खरीदी थी वो 12,000 रुपए में बेच थी और नई मशीनरी 64,000 सेम डेट पे परचेज कर 10% डेप्रिसिएशन लगाओ 31st December ईयर क्लोज होता है तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है 99 से 2001 यानी कि 3 साल का अकाउंट बनाना है 99 ईयर 2000 एंड 2001 ठीक है जी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन वर्किंग नोट्स बच्चों इन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए आप लोग वर्किंग नोट्स पे खास ध्यान दीजिए मशीनरी अकाउंट 1st January 99 टू बैंक अकाउंट 1st मशीनरी 40,000 36 प्लस 4 1st जुलाई 99 टू बैंक अकाउंट सेकंड मशीनरी और खरीदी 20,000 साल के एंड में 31st दिसंबर 99 डेप्रिसिएशन लगानी है फर्स्ट मशीनरी बच्चों 40,000 पर फुल ईयर का 4,000 सेकंड मशीनरी 20,000 पर फुल ईयर का बनता 2,000 हाफ ईयर का 1,000 टोटल 5,000 हुई बाकी बचा बैलेंस कैरेट डाउन टोटल किया 60,000 60,000 में से 5,000 डेप्रिसिएशन लग चुकी है बैलेंस बचा 55,000 ठीक है जी 2000 में कुछ नहीं हुआ तो 2000 में तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा लो 1st जनवरी ईयर 2000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000 और 31st December 2000 डेप्रिसिएशन अलग अलग भी लगा सकते हो इकट्ठे भी लगा सकते हो इकट्ठे लगाओगे तो बच्चों ये 55,000 का 10% 5,500 सिंपल अलग अलग भी लगाना चाहते हो तो ये देख लो 40,000 में 4,000 डेप्रिसिएशन लग चुका बाकी बचा 36,000 36,000 पे फुल ईयर का 3600 दूसरी मशीनरी 20,000 रुपए पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका बैलेंस बचे 19,000 उस पर 10% डेप्रिसिएशन 1900 टोटल 55,000 बात वहीं की वहीं आएगी अगर नॉर्मल भी निकाल देते लेकिन जैसा कि आपको आदत डलवा दी गई है अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाने की हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते थे अलग अलग मशीनरीज पर अलग अलग डेप्रिसिएशन शो नहीं करते थे अकाउंट में इतनी डिटेल कभी शो नहीं की जाती कि अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं अलग अलग बैलेंस कैरी डाउन निकाल रहे हैं सिंगल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और सिंगल अमाउंट ऑफ बैलेंस कैरी डाउन निकाला जाता था और उसके अगर आपको डिटेल चाहिए तो नीचे वर्किंग नोट में मिल जाएगा लेकिन धीरे धीरे सिर्फ स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए हमने अकाउंट्स का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया हमने का मतलब बहुत सारे बुक राइटर्स ने स्कूल टीचर्स ने बहुत सारे टीचर्स ने कि बच्चों को कन्वीनियंस हो जाए क्योंकि शायद मैथमेटिकली वो इस क्वेश्चन में अटकते कायदे से अलग अलग डेप्रिसिएशन यहाँ पर शो करना जैसे फर्स्ट का शो किया जा रहा है सेकंड का शो किया जा रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चल रहा है इसलिए चल रहा है स्टूडेंट की कन्वीनियंस हो जाती है मजे की बात है पेपर चेकर भी इसको कन्वीनियंट मानते हैं तो एक ट्रेडिशन सा बना दिया गया है एक्चुअली अकाउंट इस चीज को शो नहीं कर अकाउंट इस चीज की इजाजत भी नहीं देता अकाउंट ये कहता है कि आप सिंगल फिगर लिखो ना अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग समराइजिंग यहाँ पर तो हमने समरी करनी थी इतनी डिटेल नहीं करनी थी ठीक है ना बट anyway, चलिए कोई बात नहीं अब जो भी है वो आपके सामने है और 49,500 आ गया अब थर्ड ईयर में हम पहुंच गए 1st ऑफ जनवरी 2001 थर्ड ईयर एंड लास्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500 और अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया
1 जुलाई 2001 को पहली मशीनरी 12,000 की बेची, नई मशीनरी 64,000 में खरीदी। 1 जुलाई 2001 को जब भी बेचें तो एक तो डेप्रिसिएशन लगाएं, बाय बैंक कितने में बेची, 12,000 की, और 1 जुलाई को ही हमने नई मशीनरी खरीद ली, तो बैंक अकाउंट 3rd मशीनरी 64,000। खैर मैं इस ट्रांजैक्शन को पूरा करता हूं। बच्चों तीन चीजें लिखनी होती हैं, डेप्रिसिएशन, बाय बैंक और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। जैसे कि आम तौर पे क्वेश्चन में लॉस निकल रहा है, इस वजह से हम लोगों की बाय चांस फिगर राइट साइड पर आ रही है। पहले ओरली कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। फर्स्ट मशीनरी थी हमारी 40,000 की, पहले साल 40,000 रुपए पर डेप्रिसिएशन लगा 4,000, बचा 36,000, 36,000 में 3600 डेप्रिसिएशन लगा, सेकेंड ईयर ये रहा 32,400 बचा, 32,400 में अब इस साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाता तो 3,240 लगता, लेकिन आधे साल का लगाना है तो 1,620 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। 32,400 में से 1,620 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, बाकी बचा 30,780 रुपए। अब 30,780 वाली चीज 12,000 रुपए में बेच दी तो 18,780 रुपए लॉस ऑन सेल हो गया, राइट जी? ठीक है, इसका वर्किंग नोट भी बनाते हैं। खैर 31st दिसंबर 2001 को बची हुई मशीनरीज पर हम लोग डेप्रिसिएशन भी लगा देते हैं साथ ही। फर्स्ट मशीनरी थी बच्चों 40,000 की, सेकंड थी 20,000 की, 20,000 रुपए पर पहले साल डेप्रिसिएशन लगा था 1,000, बचा था 19,000, 19,000 रुपए पर अगले साल डेप्रिसिएशन लगा था 1,900, बचा था 17,100, और 17,100 रुपए पर हमारा डेप्रिसिएशन 10% हमारा लगेगा, दैट इज 1,710 रुपए। ठीक है जी, 1,710 रुपए बैलेंस बचा। बच्चों जो भी अपने आप बैलेंस कैरी डाउन आएगा, और मशीनरी नंबर 3 पर आपका 64,000 रुपीस की मशीनरी थी, 64,000 रुपीस पर क्योंकि आपने 1 जुलाई को खरीदी थी तो 1 जुलाई को आपने 64,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन 6400 होता तो आधे साल का डेप्रिसिएशन 3200 रुपए आया, तो 1710 प्लस 3200 टोटल 4910 आया, और बाकी बच गया हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन टोटल किया मैंने, टोटल आ गया 1,13,500, 1,13,500, और जो भी बैलेंस बचा बच्चों ₹76,190 रुपीस हमारा बैलेंस बच रहा है। ठीक है जी, राइट है। अब इसका जरा मैं वर्किंग नोट बना दूं आपको फर्स्ट मशीनरी का। दो तीन वर्किंग नोट देख लेते हैं बच्चों। कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड वॉज 40,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 1999, 4,000 लगा था, बैलेंस बचा था 36,000, डेप्रिसिएशन फॉर 2000 लगा था 3600, बैलेंस बचा था 32,400, और अब 2001 में आधे साल का डेप्रिसिएशन क्योंकि 1 जुलाई को बेच दिया था तो 1,620 रुपए, सो बैलेंस बचा 30,780, और 30,780 वाली चीज ये तो थी बुक वैल्यू, और इसको मैंने सोल्ड फॉर 12,000, तो बाकी 18,780 रुपए इज लॉस ऑन सेल। ठीक है जी, 1, 2 और 3 ये आपको मैंने ऊपर अकाउंट में दिखाई दिए हैं, 1,620 ये रहे,
ठीक है जी। और बची हुई मशीनरी पर डेप्रिसिएशन का भी अगर आप वर्किंग नोट बनाना चाहें बना सकते हैं बच्चों। वर्किंग नोट नंबर टू, मशीनरी टू, कॉस्ट ऑफ मशीनरी वॉज 20,000, डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 99, फर्स्ट ईयर 99 था ना, 99 सिक्स मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 1,000, बैलेंस बचा था 19,000, डेप्रिसिएशन फॉर 2,000 फुल ईयर का 1,900, बैलेंस बचा था 17,100। अब उस पर डेप्रिसिएशन हमने 10% लगा दिया बच्चों, 1,710 रुपए। आपकी थोड़ी सी कन्वीनियंस और बढ़ा दूं, इसका भी अगर आप चाहो तो बैलेंस भी निकाल सकते हो बच्चों, 15,390 मशीनरी टू का बैलेंस बचा हुआ है और मशीनरी थ्री का 64,000 और करंट ईयर में उसका डेप्रिसिएशन लगा था 2003 में सिक्स मंथ्स का ओनली 3,200, सो उसका बैलेंस भी बचा हुआ है 60,800। तो ये आपका बैलेंस है, ठीक है ना। इन दोनों का अगर मैं टोटल कर रहा हूं तो इन दोनों का टोटल आ रहा है 76,190। ये बैलेंस कैरेट डाउन होना चाहिए और ये जो है करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होना चाहिए, 1710 और 3200, ये 1710 और 3200 और 76,190 आपका बैलेंस है। तो क्वेश्चन को मैथमेटिकली अगर हम पकड़ के चलें तो सब तरफ से ये कैच हो जाते थे, डेप्रिसिएशन अलग अलग चल रहा है, बैलेंस अलग अलग। सी मैंने यहां पर डेप्रिसिएशन आपको जरूर अलग अलग करके दिखाया बट बैलेंस कंसोलिडेटेड है मेरा। अब इस बैलेंस की डिटेल चाहिए तो आप नीचे वर्किंग नोट बना लो ना, बहुत सिंपल है। लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स में आपको इवन कभी कभी तो हम ही स्टूडेंट की कन्वीनियंस के लिए बैलेंस कैरेट डाउन भी मशीनरी नंबर वन का अलग, दो का अलग, थ्री का अलग दिखाते हैं। टेक्निकली इट इज नॉट गुड, ठीक है ना। अगर मैं इस तरह से बैलेंस शीट में मशीनरीज के बैलेंस दिखाने लगूं और हम एक टॉप मोस्ट कंपनी है और हमारे पास करीब 180 मशीनरीज हैं तो 180 मशीनरी का बैलेंस दिखाते दिखाते बैलेंस शीट की हालत क्या होगी या अकाउंट की हालत क्या होगी। अकाउंट में 180 बैलेंस दिखाए जाएंगे, ऐसे बैलेंस ब्रॉड डाउन 180 दिखाए देंगे, नेवर नेवर नेवर, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो ना। तो जो अकाउंट बनाने का तरीका है वो यही है कि डेप्रिसिएशन भी सिंगल फिगर दिखाओ, बैलेंस कैरेट डाउन भी सिंगल फिगर दिखाओ और नीचे उसका ब्रेकअप वर्किंग नोट में शो करो। एम आई राइट? ओके, डन।